हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर। बहुत ही सिंपल सी इजी सी रेसिपी है जो हम किसी भी फास्ट में बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने साथ में रख लिए हैं। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए रोस्टेड मखाने एक बाउल, एक बाउल चीनी, 50 ग्राम रोस्टेड बादाम, 50 ग्राम रोस्टेड काजू, 20 ग्राम रोस्टेड सूखा नारियल, 50 ग्राम किशमिश, 3 से 4 इलायची। इसके अलावा चाहिए हमें 1 लीटर दूध। तो चलिए फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को हम साथ में रख लेते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी मखाने की खीर। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें डालेंगे मखाने, सूखा नारियल और बादाम और इन्हें हम कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड। ये जो पाउडर बनेगा वो एकदम बारीक पाउडर नहीं बनेगा, थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। ग्राइंडिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम एक पैन में 1 लीटर दूध को गरम कर लेंगे। जब हमारा दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो जो पाउडर हमने बनाया था वो इसमें डाल देंगे, जिसमें मखाने, बादाम और सूखा नारियल था। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से मखाने। मखाने इसलिए डाले हैं ताकि दिखने में लगे तो सही है कि मखाने की खीर है। अब हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे और धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जा रही है। अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक बाउल चीनी। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद में इस खीर की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको हम चाहें तो गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं या फिर इसको फ्रिज में थोड़ी देर रखने के बाद भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसकी गार्निशिंग करी है सूखे नारियल, बादाम और काजू से। आप चाहें तो इसमें किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।